जो सुविधा और जो साधन अधिकार मिलने चाहिए उनकी रुकावट भी सत्ता से ही हो रही है कि लोकतंत्र भी है, हमारी वोट भी ज़्यादा, संख्या भी ज़्यादा, पढ़े लिखे लोग भी हमारे, सब कुछ हमारे पास है, MLA MP नेता भी हमारे हैं, फिर हमारा शासन लोगों को इतना मजबूर किया हुआ है, इतना लाचार किया हुआ है, उनको वोट की कीमत, ताकत और महत्व का नहीं पता है। समाज को जगाने और एक करने वाले सामाजिक संगठन नहीं है, ठीक है, इसलिए उस कमी के कारण सारे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे और वोट एक तरफ नहीं जा रहे। मगर जिस समाज का सामाजिक संगठन नहीं हो, सांस्कृतिक संगठन नहीं हो और वो लगातार काम नहीं कर रहा हो तो उसकी सत्ता आना मुश्किल है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं दिल्ली कैंट में मौजूद हूँ। भारतीय समाज निर्माण संघ का एक बड़ा प्रोग्राम आज दिल्ली कैंट में हुआ है और प्रोग्राम का टॉपिक भी यही था कि मूल लोकतंत्र में 90% मूल निवासी बहुजनों पर 10% अल्पसंख्यकों का शासन प्रशासन क्यों, कैसे और कब तक। तो ऐसे में वीर सिंह बहुत जी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BSNS के। सर क्या कहेंगे, अभी दौर भी चल रहा है इलेक्शनों का, लगातार लोग जो है 2024 की बात कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ नहीं, अभी ये बात सही है कि आज की डेट में जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सभी फैसले वो सत्ता से हो रहे हैं और लोगों को जो सुविधा और जो साधन अधिकार मिलने चाहिए उनकी रुकावट भी सत्ता से ही हो रही है, ठीक है। और वर्तमान की सत्ता को पूरे देश का समाज, केवल SC ST OBC नहीं, सवर्ण समाज में भी अधिकतर लोग, बहुजन समाज के तो है ही, सभी लोग, अधिकतर लोग देश की सत्ता को बदलना चाहते हैं, ठीक है। अब समाज तो बदलना चाहता है मगर क्योंकि पार्टियां समाज को दिखाई नहीं दे रही, जिसकी शुरुआत हुई है जैसे बहुजनों की या जो इसको बदलना चाहते हैं, जैसे ही वो एक होंगी, ठीक है, तो समझ लीजिए कि सत्ता चेंज होगी 24 में। और इस समाज ने, इस देश ने पहले भी सत्ता चेंज किया है, ये नहीं है 75 साल में लगभग 3 बार तो सत्ता चेंज करी है, इसको भी चेंज करेंगे, ये भी चेंज होगी। तो बहुजन समाज में जन जागरण चल रहा है और हम भी समाज को जगाने के काम में लगे हैं कि लोकतंत्र भी है, हमारी वोट भी ज़्यादा, संख्या भी ज़्यादा, पढ़े लिखे लोग भी हमारे, सब कुछ हमारे पास है, MLA MP नेता भी हमारे हैं, फिर हमारा शासन। लेकिन सर अगर हम वोट की बात करें ना, तो वोट के समय ये सारा जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं कि लोग भी आपके पास हैं, जागृति भी आप लोगों की चल रही है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी जागृति पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो फिर जो सत्ता से इतनी दूर क्यों रह जाते हैं लोग? नहीं, अभी ऐसा है ना कि जो लोग हैं बहुजन समाज के, जहाँ पे आप देख रहे हो जैसे उत्तर प्रदेश है जहाँ 80-85 करोड़ को भोजन ही नहीं मिल रहा है, सरकार उनको मुफ्त में राशन दे रही है, लोगों को इतना मजबूर किया हुआ है, इतना लाचार किया हुआ है, उनको वोट की कीमत, ताकत और महत्व का नहीं पता है, उनको पेट की भूख है, ठीक है, अभी वैचारिक रूप से वो जागरूक नहीं है। तो जो वैचारिक रूप से जागरूक नहीं है वो चुनाव का, वो पार्टियों का, वो वोट का महत्व नहीं जानता, इसलिए वो उधर बह जाता है। तो अगर लोगों को, समाज में कुछ लोग, सामाजिक लोग ऐसे निकल आए जो बताएं कि चुनाव का क्या महत्व है और पार्टियों का क्या सिस्टम है, ये सारा जब बताने लगेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हाँ ठीक है, तो ये है, अभी उसे रिजल्ट आएगा, मजबूर लोगों को ये अपने तरफ मिला लेते हैं ना। तो क्या कहेंगे, मोदी का जो कॉन्सेप्ट था सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास नहीं नहीं, नहीं सबका विकास तो मतलब ही नहीं, कहने की बात है ना सबका विकास। अगर ये कहेंगे कि हमारा ही विकास है तो इनको वोट कौन देगा, ठीक है। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मगर विकास तो 3%, 4%, 5% का हो रहा है, बाकियों का तो विनाश हो रहा है। अच्छा, बड़े बड़े चेहरे हैं बहुजन समाज में, मायावती हैं, उनको लेकर भी लोग कहते हैं PM का चेहरा है वो, अभी उभरता हुआ एक स्टार और आ रहा है चंद्रशेखर है, और भी तमाम साउथ में देखें तो हम तमाम हैं, स्टालिन हैं, और भी तमाम लोग हैं जो कि एक अच्छी दबाव रखते हैं सत्ता में। तो क्या लगता है कि ये जो चेहरे हैं जो कि गाये बगाए इनके नाम हमारी जुबानों पर आ जाते हैं, तो क्या इन लोगों की कोई कमी रह गई है? नहीं, ऐसा है ना, हमारे नेता जो भी है, चाहे बहन मायावती है, चाहे भाई चंद्रशेखर है, चाहे स्टालिन है, ठीक है,
या और भी है, सभी की समाज को ज़रूरत है। ठीक है, अब क्योंकि समाज में सामाजिक संगठन नहीं है, समाज को जगाने और एक करने वाले सामाजिक संगठन नहीं है। ठीक है, इसलिए उस कमी के कारण सारे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे और वोट एक तरफ नहीं जा रहे। नहीं तो यही तो नेता है हमारे, यही आगे लीड करेंगे। ठीक है, और कुछ सामाजिक संघर्ष से लोग निकलेंगे, मगर जिस समाज का सामाजिक संगठन नहीं हो, सांस्कृतिक संगठन नहीं हो और वो लगातार काम नहीं कर रहा हो तो उसकी सत्ता आना मुश्किल है। बीएसपी जब तक उसके सामाजिक संगठन चलता था सत्ता में आ गई, जैसे ही सामाजिक संगठन नहीं रहा आज मुश्किल हो रही है। तो ये एक सीधा फार्मूला है और हम उस कमी को पूरा करने में लगे हैं। हम सारे नेता अच्छे हैं, मगर हम जो कर सकते हैं, हम सामाजिक काम कर सकते हैं, सामाजिक जन जागरण का, जो राजनीति कर सकते हैं राजनीतियाँ करेंगे, जो धर्म का कर सकते हैं धर्म का करेंगे। ठीक है, हम इसका काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजनीति में इसका फल। लेकिन 2024 में बहुजन क्या करें? नहीं, बहुजनों को तो सामने आना ही होगा, बहुजन का ही तो खतरा है। वोट कहाँ देते हैं? नहीं, वोट तो इनको छोड़ के, इसको हटाने के लिए जो इनको हरा सकता है अभी वोट उसको देना पड़ेगा। आपका इशारा इंडिया की तरफ सुन रहे? नहीं, इंडिया की तरफ तो हो गई। देखो ऐसा है ना, अभी तो हमें उस दुश्मन को जो दिक्कत दे रहा है उसको हराना है, उसको हटाना है। ठीक है, हटा के तुम अपनी तैयारी करो, इस लोग इस योग बनो ना कि तुम सत्ता में। फिर काशीराम जी का वो कहावत भी आ जाती है, सांपनाथ नागनाथ वाली, लीडिंग में तो कांग्रेस ही है। नहीं नहीं, ऐसा है ना, चाहे काशीराम जी की ये पार्टी जो ये कहे, क्या ये उनका समर्थन नहीं लेती रही है? क्या लेती रही है ना, तो फिर इसका क्या कहना है? जिसका समाज नहीं है, राजनीति की मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। समाज तैयार नहीं है, समाज तैयार करने का काम होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे कि अपने नेताओं को आगे बढ़ाएंगे। चाहे जो भी हमारा नेता है, हम तो उनको चाहेंगे कि मैदान में आए, लड़ने वाले तो वही है। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को हम जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, और संगठित कर रहे हैं, और वोट की महत्व, वोट की इम्पोर्टेंस, वोट का क्या रिजल्ट आएगा, इसके लिए लोगों को अवेक्न कर रहे हैं। निश्चित रूप से 24 में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। वीर सिंह बहुत जी थे, लगातार सामाजिक आंदोलन जिस तरीके से BSNS चला रहा है, भारतीय समाज निर्माण संघ, वो कहीं ना कहीं जड़ें कुरेद रहा है। वो जड़ें जो आज से कई हज़ार साल पहले की लगी हुई हैं, उन्हीं जड़ों को, वही पाखंडवाद की जड़ों को खोदने में आज VSNS लगा हुआ है पूरे भारत में। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।